ओके तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ के अंदर एक टॉपिक हम और समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन, एंड देन फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन, सबसे पहली चीज बेटा कि सब्सक्रिप्शन आपके एनजीओ के लिए एक इनकम होता है। मतलब ये होता है बेटा कि सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि कोई भी सब्सक्राइबर होता है, यानी कोई भी आपका एनजीओ का मेंबर होता है, तो उसको एनजीओ का मेंबर बने रहने के लिए एक अमाउंट पे करना होता है, और वो अमाउंट पे करता है एनजीओ को, और जिस अमाउंट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो दैट्स व्हाई सब्सक्रिप्शन आपका क्या होता है बेटा, एक इनकम होता है। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, दो तरीके से, एक्चुअल में तीन तरीके से समझना आपको, ठीक है, क्या क्या तरीके है जरा वो ध्यान से समझना। पहला तरीका कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट, पहला फॉर्मूला क्या है, सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, और ऐड करना होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का। मैं एक बार इसको लिख करके समझाता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब हमें इसमें ऐड क्या क्या करना है वो समझो। हमें इसमें ऐड करना है बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी कौन से ईयर का, करेंट ईयर का। हो सकता हो आपको अगर ये लिखा हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बेटा वो भी क्या डिनोट करता है, करेंट ईयर ही डिनोट करता है। रीजन इज बेटा पूरे साल का पेमेंट आपको एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट पेमेंट मिल जाता है, इसीलिए उस साल के पेमेंट आपको उस साल के एंड तक में रिसीव हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का ऐड करते हैं, इसके अलावा एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं। अब प्रीवियस ईयर का क्यों ऐड करते हैं, उसके पीछे का रीजन भी समझ लो। सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे ये बोलूं कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, सपोज करो आपने 11th क्लास में ही 12th क्लास की पेमेंट कर दी। तो बेटा एक बात बताओ, 11th क्लास में जब आपने 12th क्लास की पेमेंट की है ना, तो वो आपने एडवांस पेमेंट की कि नहीं की, या फिर मुझे एडवांस इनकम रिसीव हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से समझना। पॉइंट ये, अब आप लोग इस साल 12th में आए, तो जब मैं आपका पिछले साल का अगर देखूं, तो पिछले साल की इनकम आपके, पिछले साल का एडवांस आपके पास ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि शुरुआत में जब आप आओगे, ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपका पिछले साल का पैसा तो मेरे पास पड़ा ही है, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसको क्या करता हूँ, एज एन इनकम कंसीडर करके, क्योंकि पिछले साल लाइबिलिटी थी, इस साल वो मेरे लिए इनकम बन जाएगा। सबको ये बात समझ में आए, जब आपने पिछले साल एडवांस दिया था तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी थी, बट जब आप इस साल एडमिशन लोगे और मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई पिछले साल का आपने मेरे को पे, मतलब इस साल का आपने मुझे पिछले साल ही पे कर दिया था, तो वो मेरे लिए एक इनकम बन जाएगी, ओके। बट इसमें से हम माइनस करते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। बेटा जो पुराने साल का अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल भी रहा हो इस साल, तो बेटा वो इस साल की इनकम नहीं, पिछले साल की इनकम है, तो इसीलिए हम उसको इस साल की इनकम में कंसीडर नहीं करते, यानी माइनस कर देते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड द लास्ट पार्ट, एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो आपका कोई, सपोज करो कोई 11th का बच्चा है, इस साल उसने क्या किया मुझे, 12th की पेमेंट अभी दे दी, तो बेटा इस साल की मेरी वो इनकम है या लाइबिलिटी है, पहले ये बताओ। लाइबिलिटी है, तो इसीलिए बेटा मैं उसको अपने सब्सक्रिप्शन यानी इनकम में कंसीडर नहीं करता, और इसीलिए क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। और ये सारा प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई, दैट इज नोन एज टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। ये नोट किसी ने करना था, कोई नोट कर रहा है इसको, कोई नोट कर रहा है इसको, हो गया, ओके ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं इसे लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। एक और तरीका होता है सब्सक्रिप्शन निकालने का, जब आपको क्वेश्चन में क्या गिवेन हो, मेंबर्स गिवेन हो, एंड साथ साथ हर एक मेंबर ने कितना पे किया हो वो भी गिवेन हो। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंबर्स के साथ भी गिवेन है कि मेंबर्स ने कितना सब्सक्रिप्शन पे किया है, तो बेटा फिर आप कोई फॉर्मूला और यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करोगे, और वो होगा क्या,
टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे उस केस में, मेंबर्स इनटू रेट। दैट मींस व्हाट कि सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी बट साथ साथ ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है मेंबर्स की, तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बोला बाय चांस अगर क्वेश्चन में मेंबर्स गिवन है तो बेटा आप बाकी सारे फॉर्मूले भूल जाओगे। टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे निकलेगा, मेंबर्स इनटू रेट करके, फिर उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर का कोई भी एडजस्टमेंट या कोई भी प्लस माइनस नहीं करना होता है, यानी उस केस में टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, मेंबर्स इनटू रेट करके। सारे बच्चे क्लियर है? ओके ठीक है, एक लास्ट केस और समझाना है, ठीक है जरा वो उस पर भी ध्यान लगा लेना। ये इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ये आपका रिसीट एंड पेमेंट का रिसीट साइड होता है। बेटा सपोज करो वहां यहां पर तीन साल की इंफॉर्मेशन हो, 2018-19, 2017-18 और 2019-20, और तीनों साल का बेटा आपको क्या गिवन हो, सब्सक्रिप्शन हो, लेट्स से 5,000, 1,00,000 और 20,000, अगर ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन हो तो बेटा ध्यान रखना यहां पर हम एक अप्रोच लगाते हैं एंड दैट अप्रोच इज नोन एज एसेट इनकम एंड लाइबिलिटी अप्रोच, यानी ए आई एल अप्रोच, एंड दिस मीन्स व्हाट, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, दिस विल बी पोस्ट इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर क्लोजिंग बैलेंस शीट। सारे बच्चों को समझ में आया? बस सारे बच्चों को ओके तो ये तीन तरीके हैं जिसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको आप लोग नोट कर लें, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त काफी काम आएगा आपका। सर लास्ट वाले से सब्सक्रिप्शन कैसे निकलेगा? यहां पे बेटा सब्सक्रिप्शन नहीं निकालना, ये आपका हो गया इनकम साइड में जो पोस्ट होना है। अब सपोज करो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको नीचे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वगैरह की, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, ठीक है ये क्वेश्चन में मैं कराऊंगा आप लोग को। ओके सर ये एक वर्ड लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है फिर मैं बताता हूँ ये कैसे यूज करेंगे बाद में। नोट करें सब लोग, डन शाबाश। अभी हम सर ये छह एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं बेटा, देन उसके बाद फिर हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब एक छोटी सी चीज, इसको बेटा आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, हमेशा मतलब हमेशा के लिए ही ध्यान रखना। रुको यहां लिखता हूं, मेरे बात ध्यान से समझना बेटा, किसी चीज का आउटस्टैंडिंग हमेशा करंट ईयर का क्या होगा, प्लस होगा, और आउटस्टैंडिंग किसी भी चीज का प्रीवियस ईयर का बैलेंस माइनस होता है। ऑपोजिट साइड में एडवांस प्रीवियस ईयर का हमेशा प्लस होगा और एडवांस हमेशा करंट ईयर का क्या होगा, माइनस होगा, चाहे वो इनकम की बात हो रही हो चाहे एक्सपेंडिचर की बात हो रही हो। बात समझ में आई ये चीज? ठीक है ओके सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम जरा आगे की चीजें समझते हैं। बेटा सपोज करो अगर आपको कभी भी एडजस्टमेंट्स के अंदर एसेट गिवन हो तो बेटा उसका ट्रीटमेंट दो जगह जाएगा, एक तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और दूसरा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
सॉरी रिसीट एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड ऑलरेडी मशीनरी गिवन था, लेट्स से 1 लाख रुपीज का, और बेटा नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है मशीनरी परचेज फॉर 30,000। अब इसका जरा इम्पैक्ट सुनना कि कैसे करना और क्या करना है, ठीक है? ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे बेटा, ठीक है? और फोकस करना कि यहां पर करना कैसे है। ऑब्वियसली ऐड करके करेंगे, बट कैसे पोस्ट करेंगे बेटा? जरा आप इसका ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा मशीनरी सिर्फ और सिर्फ 30,000। बट जब आप इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे बेटा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आप मशीनरी का अमाउंट लिखोगे टोटल कितना, 1,30,000। यानी मैंने आप लोग को क्या बोला बेटा, अगर एडजस्टमेंट के अंदर, अगर एडजस्टमेंट के अंदर क्या गिवन हो, एसेट गिवन हो, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जा रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1 लाख में ऐड होकर के हो जा रहा है। सारे बच्चों को समझ में आई ये बात? सर अगर मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई तो? बताता हूँ। अब डेप्रिशिएशन कैसे गिवन होगा वो समझना। आपसे बोल सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा आपको ये लिखा होगा कि मशीन परचेज 30,000, ठीक है? और उसके बाद लिखा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी वैल्यूड एट 1,20,000। अब एक बात बताओ, आपके पास पहले से 1 लाख का था, 30,000 का आपने मशीनरी और खरीदा, तो कायदे से मशीनरी के टोटल वैल्यू होनी चाहिए थी बेटा 1,30,000। बट आपसे ये क्या कह रहा है कि मशीनरी की वैल्यू अब कितनी बची है, 1,20,000। तो बेटा जो 10,000 कम हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। और बेटा इसीलिए अब आपकी मशीनरी की वैल्यू यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी पोस्ट होगी, 1,20,000। और सपोज करो बाय चांस लिखा होता है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो बेटा ये 10% निकालते फाइनल वैल्यू का, यानी 1,30,000 का 10% निकालते। सब बच्चों के बात समझ में आ गई ये चीज? हाँ बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ये करंट ईयर का है क्या या प्रीवियस ईयर का? ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा 1 अप्रैल को बनता है उसी साल में। नहीं सर, मतलब दो बैलेंस शीट बनती है ना, एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। अच्छा, अगर वैसे समझना तो ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की ही होती है बेटा। हाँ सर, ठीक है, ओके। सारे बच्चों को ये चीज समझ में आए बेटा, डेप्रिसिएशन वाली ट्रीटमेंट भी? गुड, ओके, ओके, ठीक है। मैं मशीनरी 70,000 से एप्रिशिएट, व्हाट इज दिस 70,000 से एप्रिशिएट हुआ है? कहां से तुमको 70,000 से एप्रिशिएशन दिख रहा है इसमें? समझ गया, वो मेरे को लगा दोनों सेम ही मशीन रही है, मैंने बोला तुम्हारा बादाम कम पड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, क्लेरिफाई नहीं किया ना कि वो जो 30,000 वाला फोन है। नहीं नहीं बेटा, ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। अच्छा, मेरे माफ करो, सॉरी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं एडजस्टमेंट वाला, क्या कहते हो? जरूर। ओके ओके, सो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। मैं मजेदार नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48, सारे बच्चों को दिख रहा है? थोड़ा जूम कर दें क्या? रुको थोड़ा सा इसको, मेरे हिसाब से अब सबको दिख रहा होगा। रुको, इसका लास्ट पार्ट कौन सा है? हाँ ठीक है, डी तक ही है। मैं आप लोग को पहले एक बार बेटा क्वेश्चन समझा देता हूँ, है ना? आप लोग अपने हिसाब से एक बार देखना, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो बैलेंस बीडी के बने बेटा, बैलेंस बीडी क्या होता है बेटा जी? बैलेंस बीडी क्या होता है?
ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटा यहाँ पर तीन सब्सक्रिप्शन दिख रही है, क्या करेंगे इसको, कौन सा अप्रोच लगाएंगे? करंट ईयर, कौन सा अप्रोच लगाएंगे बेटा? 1920, ऑब्वियसली। बट बेटा यहाँ पर अप्रोच लगेगा एसेट इनकम और लाइबिलिटी का अप्रोच, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हायर ऑफ ग्राउंड, बेटा एक बार बताओ, ग्राउंड हायर करने के लिए आपको रिसीट रिसीविंग मिला, दिस इज अ स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम? नॉर्मल है, यानी इनकम साइड जाएगा। बेटा सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, नॉर्मल इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, नॉर्मल इनकम। यानी यहाँ पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं जाएगा। पेमेंट साइड देखो, सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस। बुक्स आपके लिए क्या होगा? बुक्स आपके लिए क्या होगा? परफेक्ट एसेट होगा। एंड न्यूज़पेपर आपके लिए एक्सपेंस, एंड बैलेंस शीट ही क्या होगा? ठीक है शाबाश। अब इसके बाद हाँ, एक बात बताओ, नीचे लिखा है द क्लब हैड 50 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। बेटा कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेंबर्स वाला, यानी सेकंड मेथड यूज करेंगे, यानी मेंबर्स इनटू रेट कर देंगे, सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। लेकिन इसका इंपैक्ट बेटा बैलेंस शीट में भी जाएगा, वो मैं खुद बताऊंगा आप लोग को। उसके अलावा बेटा सैलरीज का आउटस्टैंडिंग दिया है, बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर, बुक्स, ओके, एंड डेप्रिशिएट। बेटा खुद से करोगे इसको? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन अगर आना होगा तो 6 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 12 मिनट, मैक्सिमम। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं क्योंकि आप पूरा तो कर नहीं सकते 10 मिनट, तो 148 हो रहे हैं, शार्प 158 में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, जितना कर सकते हो। शुरू करें सब लोग, एंड आई रिपीट, जब क्वेश्चन करना हो बेटा तो तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, टाइम सेव होता है। सर हाँ जी, तो ये जितने सैलरी जनरल एक्सपेंस वगैरह है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ना? नहीं सर, एक्सपेंडिचर में जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे या फिर ओपनिंग में? ये जो पेमेंट साइड में सैलरी जनरल एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी दिखा है? यस सर। अच्छा अच्छा बेटा जी, आपने पुरानी क्लास रिवाइज की है? हाँ। उसमें से अगर मैंने क्या बताया था, जो सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन होता वो दो जगह पोस्ट होता है, याद आया? सॉरी, यू शुड बी, तड़प काम कर। अरे आप हो रहा है, यस सर।
आदर्श आंसर आना शुरू हो चुका है. तो 6 मिनट एक्चुअल में 4 मिनट बस. शाबाश बेटा, अगर इतना कर लिया तो आप जरा जल्दी जल्दी वो भी निकालो, क्या नाम है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी. बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से. सर, हाँ बेटा बोलो. वो सेकंड वाला एडजस्टमेंट थोड़ा समझ नहीं आ रहा. 2020 सैलरी वाला? हाँ सर. अच्छा ठीक है बेटा, एक बात बताओ, आप बैलेंस शीट कब की बना रहे हो? जरा ऊपर देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे कौन सा ईयर लिखा है? 31 मार्च 2020. यस सर. ओके, अब उसके बाद देखो लिखा है ना कि 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. और बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड करेंट ईयर को बोलते हैं या प्रीवियस ईयर को? सर करेंट ईयर को. शाबाश. फिर लिखा बेटा सैलरी पेड इन इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. मतलब ये ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर 6,000 रुपए की सैलरी तो पुराने साल की है, ठीक है, तो पुराने साल का आउटस्टैंडिंग यानी 31 मार्च 2019 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर बनेगा? यस सर. ओके, अब एक, हाँ, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं बेटा और प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं. तो सैलरी गिवन है 28, उसमें करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करो, प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो. ओके सर. समझ गए? यस सर. ओके, बाकी बच्चे, बाकी लोग का आंसर ही नहीं आया. हाँ, बहुत गलत बात है ये. ओके ओके, चलो अब मैं आप लोग को ये बताना शुरू करता हूं. अच्छा, अनंत का हो ही नहीं रहा भाई. अनंत देखना जरा कैसे नहीं हो रहा. मेरे हिसाब से तो ये बहुत सिंपल था. सर क्वेश्चन तो दोस्तों प्लीज, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, इतनी शॉट ले लूंगा. ये लो हो गया सर. ओके ओके, तो अपन ध्यान से देखना जरा, ठीक है. सबसे पहले हम जरा सब्सक्रिप्शन का देखते हैं. अगर सब्सक्रिप्शन में मेंबर्स गिवन है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मेंबर्स इनटू रेट कर देते हैं. तो भाई मेंबर्स 50 मेंबर्स गिवन थे, 50 मेंबर्स ने 500 रुपए पे किया तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई, 25,000 हो गई. इसके अलावा आपको इनकम साइड में क्या क्या दे रखा था, हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इन सारे आइटम्स को भी हमने लिख दिया, ठीक है. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर. ओके चलो, यहां तक समझ में आ गया. नेक्स्ट, इसके बाद हमें रुको, अब जरा पेमेंट साइड देखो, सैलरीज गिवन है और उसके साथ साथ एडजस्टमेंट था. तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000 था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 6000 था, उसको प्लस माइनस कर लिया. इसके अलावा जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गिवन था, जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने वो भी मेंशन कर दिया. इसके अलावा न्यूज़पेपर मेंशन था, हमने न्यूज़पेपर भी डाल दिया. और लास्ट में जरा एडजस्टमेंट में देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. एक बात बताओ, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? पॉइंट नंबर सी, 20,000. तो भाई 20,000 का अगर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, तो दैट विल बी 2,000 रुपीज. तो बस इसका फिर बैलेंसिंग ठीक है, निकाल लो, सरप्लस आ गया, समझे? यस सर. ओके अच्छा, अब हम इसकी बेटा जरा ओपनिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ओपनिंग कैश आएगा भाई, हमने ओपनिंग कैश लिख दिया कितना, 7,000 रुपीज, ठीक है. इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला है, ए आई एल अप्रोच लगता है अगर ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन गिवन हो.
तो बेटा हमें AIL अप्रोच लगाना है। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनवा दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहां पर कर देता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां पर आया एसेट, यहां पर आया इनकम, यहां पर आया इनकम और यहां पर आ जाएगा लाइबिलिटी। सबसे पहले तो बैलेंस बीडी यानी कैश इन हैंड 7,000 रुपीज। देन अभी ये छोड़ दो सरप्लस, ये सैलरी। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कि यस सर। ओके तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का 6,000 रुपए हमने वो भी मेंशन कर दिया। इसके अलावा और कुछ है? हाँ आप अगर नीचे ध्यान से देखो तो कुछ एसेट्स गिवन है और मैंने आप लोग को क्या बताया था कि एसेट्स जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो हम जरा एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों जगह पोस्ट कर देते हैं। तो बुक और क्या क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग बुक्स फर्नीचर, फर्नीचर भाई बिल्डिंग की वैल्यू 2,00,000 रुपए थी, बुक्स कितने का है 20 और फर्नीचर भी 20,000 का। ठीक है पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया सर? बुक्स जैसे रिसिप्ट पेमेंट्स में भी दिया हुआ है तो हम लोग को उससे नहीं लेना है ना बुक्स का वैल्यू? बेटा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में बुक्स है वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना, वही पूछ रहा हूँ सर, उससे नहीं जाएगा ना ओपनिंग में? नहीं नहीं ठीक है यहाँ तक समझ गए? यस सर। अच्छा मेन चीज अब जरा ध्यान से समझना, अगर 3 साल का सब्सक्रिप्शन गिवन होता तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, AIL यानी एसेट इनकम और लायबिलिटी अप्रोच यूज करेंगे, याद आया? यस सर। तो दैट मींस एसेट साइड जाना चाहिए इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नेम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नेम से कितना अमाउंट 5,000 रुपए गिवन था ना? यस यस सर 5,000। ठीक है बढ़िया, आंसर भी पूरा हुआ नहीं, उसका रीजन समझाता हूँ। जरा एक बात बताओ, एडजस्टमेंट नंबर 1 उसके अंदर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 कितनी वैल्यू है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, हाँ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना वैल्यू है? 6,000। अब जरा सारे बच्चे एक बार चेक करो जरा, मैंने आप लोग को अभी अभी एक लैंग्वेज लिखवाई होगी सब्सक्रिप्शन एज ऑन, देखो एक लैंग्वेज लिखवाई होगी आप लोग को। यस सर। कहाँ लिखवाई है एक सेकंड मुझे भी ढूंढने दो, पहले लिखवाई जरूर है मुझे इतना याद है सर, अभी इसकी मैंने लिखवाई थी ना बच्चों। ये आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है? ठीक है ओके। सो अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे सुनना, सब्सक्रिप्शन एज ऑन का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट। बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो जरा। ठीक है सब्सक्रिप्शन एज ऑन का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट। तो बेटा अगर क्वेश्चन देखो तो आपको क्या लिख रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए भाई बताओ जरा? 6,000। 6,000 यानी इसका मतलब 5,000 आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा, 1,000 और होना चाहिए, तो यानी आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में टोटल कितना अमाउंट आएगा, 6,000 रुपए। सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर। सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर। चलो ठीक है, और एक और चीज बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैलेंसिंग फिगर किस नेम से आएगा? अच्छा और बेटा कैपिटल फंड कितना आएगा, चलो वो भी बता दो, बताओ जरा टोटल करके 2,47,000। गुड ठीक है थैंक यू, यानी इसका मतलब 2,53,000 टोटल आ रहा था। ठीक है तुम लोग मेरी कैलकुलेशन देख रहे हो, फटाफट से मैंने बताया कि 2,53,000 टोटल आ रहा है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दिस, है ना? अच्छा अब हम आते हैं जरा बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, ध्यान रखना ये जो 1,000 है बेटा इसका दूसरा रूल भी आएगा, इसलिए ये भी समझना जरा।
तो क्लोजिंग बैलेंस शीट से आते हैं पहले तो हम, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, ठीक है। ये हमारा लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले तो वो कैश इन हैंड कैश एट बैंक वाला कर लेते हैं। बैलेंस सीडी कितना था, 4000 का, हमने लिखा कैश इन हैंड कितना, 4000 रुपीज। देन इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी का था, करंट ईयर का कितना, 2000 रुपीज, हमने वो लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, 2000 रुपीज। इसके अलावा कैपिटल फंड अभी हमने कैलकुलेट किया है और उसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस, तो बेटा 2,47,000 आया था, प्लस सरप्लस कितने का था, सरप्लस कितने का आया था भाई, 5,000 का आया था, ठीक है। तो टोटल ये 2,52,000 हो गया। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी चीजें भी कर लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, ऑलरेडी पेमेंट साइड में बुक्स पहले से है क्या? यस सर। अच्छा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 30,000 मतलब एक तो ये बुक जो आपके पेमेंट साइड है वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता ही जाता है, प्लस आपने जो एडजस्टमेंट के अंदर था वो ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में जाता है, तो टोटल बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। बहुत बढ़िया। इसके अलावा बेटा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 2,00,000 रुपीज एज इट इज चली जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा बेटा फर्नीचर की वैल्यू थी तो 20,000, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, तो बेटा अब ये बताओ डेप्रिसिएशन लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप फर्नीचर की टोटल वैल्यू कितनी लिखोगे, 18,000, यानी 20,000 में से वो जो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगा होगा 2,000 का, यानी 10% का, उसको माइनस करके लिख दिया। पहले बताओ यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो एक चीज बताने जा रहा हूं। एक बात बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में गिवन था, इसके हिसाब से इनकम साइड कितनी सब्सक्रिप्शन जानी चाहिए थी, 20,000। बट जो हमने बेटा मेंबर्स इनटू रेट लगाया उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन कितनी गई है, 25,000। यानी मेंबर्स के हिसाब से आपको उस साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए थी 25,000, लेकिन आपको रिसीव हुई थी 20,000, तो क्या बेटा उस साल यानी करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग हो गया सब्सक्रिप्शन? यस सर। अब इसकी एक छोटी सी चीज है, उस प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना, वो जरूरी है समझाना। यहां पर आपको दिख रहा है ना कि मैंने 22 सब्सक्रिप्शन कैसे लिखा है, मेंबर्स इनटू रेट करके लिखा है ना, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन समझना बेटा, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में, इसकी प्रेजेंटेशन आएगी बेटा बाय सब्सक्रिप्शन, जानबूझ के उस टाइम नहीं बताया था, कंफ्यूज ना हो जाओ। बाय सब्सक्रिप्शन बेटा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 20,000 रिसीव हुई है, लेकिन मिलनी टोटल कितनी थी, 5,000, तो इसका मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा होगा कितना, 5,000 रुपए। ये बात समझ में आई, हमने अमाउंट वही पोस्ट किया है मेंबर्स इनटू रेट, लेकिन यहां इसके थ्रू हमें एक हिडन पॉइंट समझ में आया कि 5,000 हमें करेंट ईयर में कम मिला है। सब बच्चों को समझ में आया ये पॉइंट सबको? वेरी गुड। तो बेटा करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा कहां जाता है, हमेशा जाता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5,000 रुपए। और एक बात बताओ, अभी हमने पीछे देखा कि टोटल 6,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था, बट हमने शो किया 5,000, तो बेटा वो जो 1,000 पिछले साल का नहीं मिला तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, करंट ईयर में? पिछले साल का 1,000 आपको आउटस्टैंडिंग रह गया, नहीं मिला, तो बेटा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, करंट ईयर में। तो यानी करंट ईयर में भी टोटल कितना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, 6,000 रुपए। अब जरा इसका टोटल करके देखो, इक्वल आ रहा है क्या, जल्दी से आ रहा है इक्वल? मेरे हिसाब से 2,54,000 आ रहा होगा, देख रहा मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, क्योंकि ये साइड बहुत छोटा सा था। 258 आ रहा है, 2,54,258। अच्छा हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन तो मैंने डाला ही नहीं ना, AIL अप्रोच, रुको कितना है, 4,000 है ऑब्वियसली, 2,58,000 आया होगा,
इस बार कैलकुलेशन भारी पड़ गया मेरे ऊपर। सारे बच्चों को समझ में आई ये चीज? अनंत अब क्लियर है? सात्विक क्लियर है? लवी क्लियर है? ठीक है। सर मान लीजिए हमें ज्यादा पैसे मिलते तो हम माइनस करते क्या उधर? ज्यादा कहाँ पे मिलते पहले ये बताओ। जैसे मान लीजिए हमें 30,000 मिलते और 25,000। हाँ तो फिर वो क्या हो जाता है, वो माइनस नहीं करते। हाँ मतलब माइनस करते बट हम उसको लिखते एडवांस फॉर द करेंट ईयर, समझे? मतलब आपको मिलने चाहिए 25 लेकिन यहाँ पर आपको 1920 में 30 लिख दिया होता, तो इसका मतलब क्या है, हमें मिलने चाहिए 25, हमको मिल गए 30, तो वो 5,000 क्या हो गया, करेंट ईयर में हमको एडवांस रिसीव हुआ है। और बेटा एडवांस करेंट ईयर का क्या करते हैं, माइनस ही ना करते हैं। यस सर समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, रुको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग के लिए, बढ़िया से क्वेश्चन ढूंढता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 सारे बच्चों को दिख रहा है? नहीं ये भी नहीं, इसमें वो इंटरेस्ट वाला है ही नहीं। एक हिडन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखते हैं तो, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 50 सारे बच्चों को दिख रहा है? सर अच्छे से नहीं दिख रहा थोड़ा। अच्छे से नहीं दिख रहा, थोड़ा और जूम कर दे, बेटर है? थोड़ा नीचे। हाँ वो तो अभी कर रहा हूँ, पहले ये बताओ दिख रहा है ना, विजिबिलिटी ठीक है ना? हाँ सर हाँ सर। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर अगर आप नोटिस करो तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दे रखा है, यानी इसमें बेटा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आई? ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और इसके अंदर, वो भी ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है, बता सकते हो कौन सा पॉइंट है वो? कोई बच्चा बताना चाहेगा इस क्वेश्चन के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट कहाँ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख के बताओ जरा। इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा, जरा नोटिस करो, यहां पर आपको गिवन है बाय 5% इन्वेस्टमेंट, यानी बेटा हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा 5% का, लेकिन हमको वो इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए मिलेगा बेटा, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को वो इन्वेस्टमेंट की है, 6 मंथ के लिए मिलेगा। तो बेटा जरा देख के सोचो, 40,000 की वैल्यू है, उस पर 5% यानी 2,000 रुपीज और 6 मंथ का मतलब 1,000 मिलना चाहिए। अब जरा आप देखो ये एक बार बताओ, अगर वो 1,000 का इंटरेस्ट मिलना है तो वो आपके लिए इनकम या फिर लाइबिलिटी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर इनकम और लाइबिलिटी? इनकम। तो इसका मतलब बेटा एक तो इनकम साइड हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज, और बेटा उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो वहां पर उस इंटरेस्ट को ऐड करके लिखोगे, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41,000 रुपीज हो जाएगी। सबको ये बात समझ में आई? तो बेटा ये क्वेश्चन सबसे हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसके अंदर ये एक पॉइंट समझाना जरूरी था। सर ये लाइफ मेंबर्स, ये लाइफ मेंबर फी है ना, ये कैपिटल में से माइनस होगा क्या? नहीं बच्चे, ये कैपिटल रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट मतलब आपकी लाइबिलिटी होती है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। जैसे अपन 11th में करते थे कि है ना, ये लाइफ मेंबर फी को ये कैपिटल में से माइनस कर लेते थे, तो ऐसा नहीं होता क्या? कहां पर बेटा, किस टॉपिक में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो बेटा हैं, मतलब नहीं नहीं सॉरी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते। मैं बच्चा समझ गया तुम्हारी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम कैपिटल फंड में से सिर्फ ड्रॉइंग माइनस कर सकते हैं या फिर लॉस माइनस कर सकते हैं, बात समझे मेरी? यस सर। ठीक है, कभी भी लाइफ मेंबरशिप फीस कॉन्सेप्ट नहीं आएगा उसके अंदर। लाइफ मेंबरशिप फीस का कॉन्सेप्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, एंड लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब ये होता है, सपोज करो तुम्हारा एनजीओ है,
और मैं तुम्हारे एनजीओ का एक मेंबर बनना चाहता हूँ। और मैंने क्या किया, 10-15 साल की पेमेंट, जैसे 10-15 साल की मेंबरशिप एक बार में पे कर दी। तो ये तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आया या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आया? सात्विक, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? देखो सपोज करो तुम्हारा एनजीओ है, ठीक है, तुम्हारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें एज अ मेंबर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मेंबरशिप फीस देनी होगी। और मैंने क्या किया, 15 साल की पेमेंट तुमको एक बार में कर दी। तो ये जो तुमको पैसे मिले हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए मिले हैं या शॉर्ट टर्म के लिए मिले हैं? लॉन्ग टर्म। इसी को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और बेटा इससे तुम्हारे ऊपर ना एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि अब तुमको ना मुझे हर साल मेंबर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने 15 साल का पैसा एडवांस में ले लिया है। बात समझे? ओके सर। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। ओके, इसके अंदर कुछ बताने लायक चीज जरा देखने दो। बेटा एक छोटी सी चीज यहां से देखना, आपको यहाँ पर करंट ईयर सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा 8,000, जो कि बेसिकली क्या होगा, इनकम साइड में जब आप सब्सक्रिप्शन पोस्ट करोगे तो वहां पर माइनस करना होता है। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे भी है। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन को कर लोगे आप लोग? यस सर। एक ट्राई तो बनता है, राइट? ठीक है। सो एक क्लास और रखेंगे इसकी एनपीओ की, ठीक है, जिसके अंदर फिर हम इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेंगे। क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, अब क्या पूछा है तुमने? अब कीप ऑफ ग्राउंड, अरे ग्राउंड मेंटेनेंस जैसे खर्चे हो जाते हैं, कई बार देखा नहीं कि ग्राउंड की मेंटेनेंस वगैरह चलती है। 51 में क्या क्वेश्चन है कि